नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक ऐसा सन की आशिक क्रिमिनल्स में बेनकाब होगा जिसने लड़की के घर पहुंचकर 5 लोगों की हत्या कर दी, लड़की को भी जान से मार दिया। इंतकाम की ये इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। मौत से पहले वो लड़का क्यों बना दुल्हन, 16 श्रृंगार और मौत की पहेली की पड़ताल भी करेंगे। पति के कत्ल की सुपारी और सुपारी किलिंग में ट्विस्ट भी होगा। चलती ट्रेन में कहां हुई हैवानियत, रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात भी होगी। सन की आशिक का ऐसा इंतकाम अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, जिसने एक तरफा प्यार में एक साथ 5 कत्ल कर दिए, लड़की और उसके परिवार की बहरहमी से हत्या कर दी। 3 कमरों में 5 लाशें मिली, आंगन से हत्यारे ने एंट्री की थी। 5 कत्ल के बाद साइको किलर भागा नहीं बल्कि उसी घर में वो भी मौजूद था। देखिए, साइको किलर, एक तरफा प्यार, 5 कत्ल, कुल्हाड़ी से वार, हथौड़े से हमला, लड़की के परिवार की बेरहमी से हत्या, लड़की के मां बाप का कत्ल, बहन की भी ली जान, लड़की और उसके मासूम बेटे की भी हत्या। सन की आशिक और मौत का तांडव, 6 साल बाद दिल दहला देने वाला बदलापुर। इस घर में सन की आशिक ने कोहराम मचाया, एक तरफा प्यार, इंतकाम और बदले की वो कहानी जो यकीनन मानिए किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। इस घर में सुनाई दी तो सिर्फ चीखें। घर में 5 लाशें थी। एक तरफा प्यार में पागल हुए सन की आशिक मनोज साहू ने लड़की के माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर दी, लड़की की बहन को भी मौत की नींद सुलाया। पूरे घर में हैवानियत के निशान थे, फर्श पर खून बिखरा था। इसी घर में लड़की की भी लाश मिली। इंतकाम में पागल हुए हत्यारे ने लड़की और उसके 3 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा। ये घटना करीब रात की है, इसमें हमें जो है सूचना करीब 10-12 बजे मिली है। धारदार हथियार से हमला करने का जो है इंजरी मार्क्स मिला है। अलग अलग कमरे में शव हैं, जैसे एक मृतक है, मेल बॉडी जो है वो आंगन में है, फिर 2 फीमेल की बॉडी अलग अलग दूसरे रूम्स में है, और एक तीसरे रूम में एक और फीमेल की बॉडी है जिसके साथ एक बच्चे की भी हमको बॉडी मिली है, जिसमें सब में जो है धारदार हथियार से हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बदलापुर की ये खूनी कहानी लिखने वाले कातिल मनोज की आखिर इस परिवार से दुश्मनी क्या थी, और 5 कत्ल करने के बाद वो कहां फरार हो गया, ये राज भी इसी घर में कैद है। सलीहा थाना के थरगांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक झटके में मीरा, उसके बेटे और मायके वालों को खामोश कर दिया गया। ये जो आरोपी है ये आंगन से ही घुसा और इसने सबकी जो है हत्या की। इसका कारण मुख्यतः ये है कि 2017 में जो है इन घर के ही एक महिला ने इन पे FIR करवाया था, जिसमें घर पे घुस के मारपीट करने का FIR दर्ज था। उसमें ये आरोपी जो है मनोज, ये जेल भी गए। दरअसल मनोज साहू मीरा से एक तरफा प्यार करता था, 6 साल पहले भी उसने मीरा पर हमला किया था। इस मामले में मनोज साहू 15 दिन जेल भी गया। इस बीच मीरा की शादी हो गई थी, मीरा का 3 साल का बेटा था। मीरा फिर से मां बनने वाली थी जो अपने मायके आई थी, ये बात मनोज साहू को पता चल गई। उसके बाद उसने खूनी खेल खेला। इनका पुराना रंजिश था, लड़का जो है एक बार प्यार कर रहा था उसको, वो एक बार 5 साल पूरा उसने लड़के के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसका मतलब हसिया और खून सने कपड़े का जो व्यक्ति होना तो सोना गवाह था। सवाल है कि आरोपी मनोज साहू कहाँ है, तो इस साइको किलर की इसी कमरे में लाश मिली। एक कमरा, 6 लाश, सनकी का सुसाइड। घर के जो पिछला हिस्सा है उसमें एक जो बॉडी हमको हैंगिंग अवस्था में मिली है,
और उसके कुछ ही बगल में जो है एक एक्स मिला है जिसमें ब्लड के निशान है। 5 कत्ल करने के बाद हत्यारे मनोज ने सुसाइड कर लिया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। सारंगढ़ विलाईगढ़ में सोमनाथ टोंडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 16 श्रृंगार किए हुई एक लाश, लेकिन ये लाश किसी लड़की की नहीं थी बल्कि लड़के की थी। मौत से पहले आखिर वो क्यों बना दुल्हन? क्या उस लड़के ने ऑनलाइन साड़ी और चूड़ी मंगाई थी? क्यों मांग में भरा था सिंदूर, आंख पर बंधी पट्टी, हाथ बंधे? कौन सी कहानी सुना रहे हैं? दुल्हन के श्रृंगार में मिली लड़के की लाश का सच क्या है? देखिए रिपोर्ट। कोरोना के टाइम पर घर आ गया था ना वो, जैसे तो वो पबजी खेलता था, हाथ बंधे थे, मुंह में एक रस्सी बंधी थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी। बड़ी विचित्र प्रकार की घटना लग रही है। साड़ी पहनकर और चूड़िया पहनकर और सिंदूर लगाकर इस तरह से उसके द्वारा ये घटना की गई। छात्र की मौत की अजब पहेली। मौत से पहले उसने किया 16 श्रृंगार। क्यों उसने पहनी साड़ी? चूड़ी बिंदी, मांग में सिंदूर लगाया। ऑनलाइन मंगाई थी चूड़िया। मौत का श्रृंगार। ये सीन ऑफ क्राइम अपने आप में हैरान करने वाला है। एक छात्र की जिस तरह से लाश मिली वो चौंका देती है। 22 साल का पुनीत इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके कमरे से जब ये तस्वीर आई तो सब दहल गए। पुनीत ने साड़ी पहनी थी, हाथ में हरी चूड़िया, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर। महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार किया, हाथ बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी थी। आखिर ये मौत किस और इशारा कर रही है? पंखे से जो फंदा बंधा था उस फंदे में भी चाकू लगा है, सब्जी काटने वाला चाकू। घर वालों को ये बात पता चली कि पुनीत ने ऑनलाइन चूड़िया साड़ी मंगाई थी। सवाल है क्यों? हाथ बंधे थे, मुंह में एक रस्सी बंधी थी, आंख में बंधी थी। क्या लगता है मतलब आंखों पर पट्टी बंधी थी? कोई घटना को अंजाम दिया है क्या? ये बड़ी विचित्र प्रकार की घटना लग रही है। सुसाइड लग रहा है या मतलब किसी ने कोई मारा हो? नहीं, ऐसा तो उसका व्यवहार ही नहीं था, बहुत अच्छा मतलब उसका व्यवहार। हाँ, ये ऑनलाइन बुलाया उसने, बता रहा है पुलिस वाले। रायसेन का रहने वाला 22 साल का पुनीत पिछले एक साल से इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, MPPSC की तैयारी भी। रणजीत सिंह कॉलेज में पुनीत स्टूडेंट था। पढ़ाई में होशियार पुनीत की मौत के पीछे का सच क्या है? बंधे हाथ, आंख पर पट्टी, चाकू की मिस्ट्री। आखिरी कॉल पर क्या हुई थी बात? मोबाइल लैपटॉप से खुलेगा राज। पुनीत के दोस्त और परिवार वाले इस मौत से दंग है। घर वालों की माने तो पुनीत ने 8 दिन पहले ही रूम चेंज किया था, सिंगल कमरा लिया। भवर कुआं थाना इलाके का ये मामला है। जो अलग बात सामने आई है वो ये है कि उसने साड़ी पहनकर और चूड़िया पहनकर और सिंदूर लगाकर इस तरह से उसके द्वारा ये घटना की गई। पुनीत की एक दिन पहले ही माँ से बात हुई थी, तब किसी को अंदेशा भी नहीं था अब पुनीत से कभी बात नहीं होगी। दूसरे दिन पुनीत का मोबाइल बंद था, घर वालों को लगा वो कोचिंग गया होगा, लेकिन रात 9 बजे के बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगले दिन पुनीत की लाश मिली। एक दिन पहले उसकी मौत की बात हुई थी, बढ़िया था, और फिर दूसरे दिन पर ऐसा कोचिंग चले जाता है, मतलब सुबह से शाम तक, रात को 9 बजे आते थे तो कोचिंग चले गया, मोबाइल बंद होगा। तो जब फिर दूसरे दिन बात नहीं हुई तो फिर 10 बजे तक ट्राई किया, फिर और लोगों को संपर्क किया, वो कुछ लड़कों के नंबर थे, वो हॉस्टल वालों के नंबर थे,
यहाँ कुछ रिलेशन में थे उनको पहुँचा है तो पता लगा सोचा सुन लिया। फिलहाल साइकोलॉजिस्ट FSL के द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया है। कुछ ऐसा बताया गया है कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति रहती है, इस तरह की प्रवृत्ति रहती है तो कई बार वो इस तरह का जो आवरण या फिर ऐसे कपड़े पहनकर प्रिटेंड होने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसमें जांच मग जांच की जा रही है। पबजी खेलने का भी शौकीन था पुनीत। सवाल है कि जिस तरह से मौत का श्रृंगार किया गया, क्या इस मौत का कोई रास्ता है? क्या मोबाइल और लैपटॉप से खुलेगा मौत की इस अजब पहली का राज? ये सुसाइड है या फिर कुछ और? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सुपारी किलिंग की ऐसी साजिश के बारे में अब से पहले आपने नहीं सुना होगा। पत्नी ने पति के कत्ल की सुपारी दी, बड़ी चालाकी से पति को बहाने से स्पॉट पर बुलाया, लेकिन सुपारी किलिंग की इस साजिश में एक ट्विस्ट है। पति की जान बच गई, आखिर कैसे? देखिए, खुलासा हैरान करने वाला है। चाबी गुमने का बहाना, पति के कत्ल का प्लान, सुपारी किलर थे तैयार। 50,000 की सुपारी, सुपारी किलर बोले चाबी यहां है। चाकू से सुपारी किलर का वार, शक में सुपारी किलिंग, पति के कत्ल की सुपारी और वो बच गया। तारीख थी 16 मई, पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पर थी, तभी उसे एक शख्स खून से लथपथ दिखाई दिया। वो शख्स इस हालत में नहीं था कि अपने हमलावरों का नाम बता सके, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। 40 साल का तौकीर आलम पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। दुर्ग के नेवई थाना इलाके का ये मामला है। वार जिस तरीके से हुआ, साफ जाहिर था कोई तौकीर की हत्या करना चाहता था, और फिर तौकीर के कत्ल की साजिश रचने वाले ये चार चेहरे बेनकाब हुए, जिसमें मास्टरमाइंड निकली तौकीर की पत्नी। नेवई थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उसके जब बयान लिए गए तो उसने बताया कि उसकी पत्नी ने उस जगह पर उसको बुलाया हुआ था और एक्टिवा की चाबी गुम गई, ऐसा बता करके वहां खोजने लगा। उसी बीच एक व्यक्ति चाबी देते हुए उसको चाकू मार दिया था, वो घायल था। तौकीर की पत्नी निदा अंजुम ने तौकीर को बड़ी चालाकी से बुलाया, व्हाट्सएप कॉल पर कहा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। रात का वक्त था, तौकीर पेट्रोल लेकर नेवई डैम पहुंचा। जैसे ही तौकीर पहुंचा, सुपारी किलर वहां पहले से मौजूद था। अब दूसरी चाल बीवी ने चली, स्कूटी की चाबी घूमने की कहानी सुनाई। इधर तौकीर चाबी ढूंढने लगा, सुपारी किलर तौकीर के पास पहुंचा, जिसने कहा चाबी यहाँ है। उसके बाद चाकू से तौकीर पर हमला बोल दिया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसका एक मोहबोला भाई आजाद के साथ मिलकर के उसकी हत्या करने का प्लान किया था और उसके साथ दो अन्य आरोपी थे। कुल 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस खूनी खेल में पुलिस के वक्त पर पहुंचते ही खून से लथपथ तौकीर की जान बच गई। अब सवाल है कि आखिर सुपारी किलिंग की ये साजिश क्यों रची गई? तो वजह थी पति पत्नी के बीच विवाद, शक में झगड़ा फसाद। इसमें पति पत्नी एक दूसरे पर चरित्र शंका को लेकर के वाद विवाद होते रहता था, तो उसने बताया कि बार बार विवाद होने से अच्छा है कि इसको रास्ते से निकाला जाए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ये साजिश अपने आप में हैरान करने वाली है। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक लड़की ने GRP ग्वालियर में जो दास्तां बताई वो होश उड़ाने वाली है। पीड़ित युवती ग्वालियर की रहने वाली है। युवती का आरोप है कि उसके साथ चलती ट्रेन में हैवानियत हुई। इल्जाम कि उसे बेहोश करके घिनौना काम किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में दरिंदगी हुई है। चलती ट्रेन में हैवानियत, अजनबी शैतान, बेहोशी का खेल, वहशीपन।
कौन थे वो अजनबी। उस लड़की ने जो दास्तां पुलिस वालों को बताई वो हैरान करने वाली है। पीड़ित युवती के मुताबिक उसके साथ चलती ट्रेन में हैवानियत हुई। ग्वालियर की रहने वाली युवती तुलसी एक्सप्रेस से सफर कर रही थी, एसी कोच में थी। तभी आरोप है कि अजनबी व्यक्ति उसी कोच में आए, बातचीत के दौरान नशीला पदार्थ देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आवेदिका का कहना यह था कि मैं तुलसी एक्सप्रेस की यात्रा कर रही थी, तो कुछ लोगों ने मुझे नशीला पदार्थ पिला खिला कर मेरा शारीरिक शोषण किया। मुंबई के कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन को छोड़ने और ठाणे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के दौरान ये वारदात हुई। इसके बाद लड़की को होश आया तो उसने ग्वालियर जीआरपी में जाकर रिपोर्ट की। वारदात 10 मार्च की बताई जा रही है। ग्वालियर जीआरपी का कहना कि 19 अप्रैल को उसे आवेदन मिला। जीआरपी ग्वालियर में आवेदिका द्वारा आवेदन 19/4 को दिया गया है, जिस पर घटना स्थल जीआरपी ठाणे का पाया जाने से हमने जीरो की कायमी करके और अग्रिम विवेचना हेतु जीआरपी ठाणे महाराष्ट्र को भेज दी गई। मामला ठाणे का है, इसलिए जीरो पर कायमी करके जांच के लिए केस डायरी ठाणे जीआरपी को भेज दी है। जांच पर से वो वहां की पुलिस जांच पर से फिर आगे की कार्रवाई करेगी। अब महाराष्ट्र की ठाणे जीआरपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर वो अजनबी कौन थे? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मनी माफिया, साइबर फ्रॉड वाले ये वो लुटेरे हैं जिनका अपना शेयर मार्केट है, शिकार के अकाउंट में फायदा दिखता है, कभी लाखों का कभी करोड़ों का, लेकिन मुनाफा सिर्फ नटवर लाल की गैंग को होता है। कहीं शेयर ट्रेडिंग वाली ठग गैंग के निशाने पर आप तो नहीं? देखिए, साइबर ठगों का अपना शेयर मार्केट, ऐसी लिंक कॉल से सावधान, फर्जी ऐप से फ्रॉड की अजब कहानी, शेयर ट्रेडिंग वाले मनी माफिया, फायदे का कारोबार शिकार कंगाल, ये मुनाफा नहीं डाका है। नए जमाने के साथ साइबर फ्रॉड की साजिश रचने वाले नटवर लाल अब नए नए मुखौटे में सामने आ रहे हैं, या यूं कहें नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ग्वालियर और दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर जिस तरह से ठगी की गई वो हैरान कर देती है। ग्वालियर में व्यापारी को करीब 28 लाख का चूना लगा और दुर्ग में व्यापारी के साथ हुई 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी। दोनों ही वारदात में फ्रॉड का तरीका अलग था। क्राइम ब्रांच ग्वालियर में एक व्यापारी द्वारा इस आशय से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसने एक आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, कुल उसने 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो बाद में उसने अलग अलग माध्यमों में शेयर खरीदे और कुल जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए उसको लाभ प्राप्त हुआ था। ग्वालियर में क्या हुआ ये सुनिए। व्यापारी का जिस बैंक में अकाउंट था उसी बैंक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया सिक्योरिटीज के नाम से। फरियादी को शक नहीं हुआ, उसने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, फिर शेयर बाजार वाले मैसेज आने लगे। इसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवाया गया, फरियादी ने कुछ शेयर खरीदे और बेचे, प्रॉफिट सहित पूरा पैसा मिला। अब अगली चाल थी शेयर बाजार के आईपीओ में पैसा लगाने की। ठग ने ये सलाह दी, अलग अलग अकाउंट में 27,71,800 रुपए जमा करवा लिए। ऐसे केस में प्रॉफिट बड़ा हुआ दिखता है, लेकिन जब प्रॉफिट निकालने की बारी आती है तो हाथ कुछ नहीं लगता। जब उसने अपने जो आर्थिक लाभ जो उसको मिला था उसको निकालने का प्रयास किया, तब उसे कुछ ठगी का एहसास हुआ और जो व्हाट्सएप ग्रुप जिनके माध्यम से उनको लिंक प्रोवाइड कराई गई थी, साथ ही जिन लोगों के वो संपर्क में था वो रफू चक्कर हो गए। तो इस पर से अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, हम पता लगा रहे हैं कि किन ग्रुपों में उसने लिंक ली थी और किन माध्यमों से उसने निवेश किया। दुर्ग के सुपेला थाना इलाके में भी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई। नेहरू नगर में रहने वाले व्यापारी को कॉल करके ठगों ने चूना लगाया, वो भी किश्तों में। ठगों ने खुद को शेयर ट्रेडिंग कंपनी का एजेंट बताया था।
रकम 3 से 4 गुना करने का झांसा देकर खाते में 25 से 30 बार में 1,10,00,000 रुपए डलवा लिए। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिटर्न नहीं आया। व्यापारी को समझ आ गया वो ठगी का शिकार हुआ है। ठगों के शेयर मार्केट की ऐसी चाल से जरा होशियार रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक और दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।